हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्रवण लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा तथा प्रतिरोध, ये क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसी टॉपिक पर हम लोग ऐसे मतलब 10 महत्वपूर्ण फॉर्मूला देखने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर ये क्या बता रहे हैं। दोस्तों, हम ये इसलिए बता रहे हैं कि इस पर अगर देखिए मैंने क्या लिखा है, 10 इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल नहीं लिखा है, लेकिन ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारा मिशन है कि आप लोग यार 90% 92% मार्क लाएँ, ताकि यार हम इतना पढ़ाते हैं आप लोगों को इफेक्ट कुछ पड़े, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक एक छोटे से छोटे चीज़ों को बताता हूँ। तो आज हम ऐसे फार्मूला को बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बिना फॉरवर्ड किए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आवेश क्या होता है। आवेश, अगर आप लोग आवेश के बारे में नहीं जानते हो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसे मैंने नहीं पढ़ाया है। आवेश के बारे में नहीं जानते हो तो जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट बन चुका है, ठीक है। कुछ चीज़ों का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आवेश क्या होता है, क्यों, जिसे हम लोग क्यों से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से। और क्यों बराबर क्या होता है, एन ई, ठीक है। क्यों बराबर क्या होता है, एन ई। अब इतना समझ में आया क्यों बराबर क्या होता है, एन एंड ई, क्यों बराबर एन ई। अब दोस्तों, एन यहाँ क्या है, तो यहाँ एन जो है पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे पदार्थ में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये आप लोग समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हमारा यान, और यहाँ एक देखिए तो क्यों बराबर होता है आवेश, और ई एक शब्द आया है, ई ई बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। इससे मैंने बता भी दिया है तो आप लोग उसे ज़रूर बताएं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। मैंने बताया इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आप लोग समझ लीजिए। देखिए आप लोग, 1.6 × 10 की पावर 19, ठीक है, माइनस में 19। तो आगे देखते हैं दूसरा इम्पॉर्टेंट फार्मूला। दूसरा जो हमारा फार्मूला है वो धारा। धारा को मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, पढ़ा दिया है। धारा बराबर क्या होता है, धारा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी, ठीक है। तो धारा बराबर जो होता है आपका क्यू अपान टी, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ क्या है, क्यों आपका क्या है, एक टॉपिक को समझिए। क्यों यहाँ मैंने बताया आवेश, तो यहाँ क्यों क्या है, आवेश है। क्यों जो है वो आपका बराबर है आवेश के, यानी कि आपका क्या है, आवेश है। और टी क्या है, टी की तो आप लोग छोटे से इस समय में पढ़ते आ रहे होंगे, यानी कि छोटे ही समय से, यानी कि समय है, छोटे समय से समय है, ठीक है। इतना समझ में आया। दूसरा क्या, आई यानी कि धारा, धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, क्यों को हम आवेश, और टी का समय। इतना आप लोग इससे समझ सकते हैं कि हम आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, धारा को किससे, और आवेश को, विभव को, विभवांतर को, प्रतिरोध को, विशिष्ट प्रतिरोध को, सभी को समझेंगे। ये इतना समझ में आया, धारा बराबर आवेश बराबर। तीसरा हमारा आता है टॉपिक विभव बराबर, विभव विभव कौन सा टॉपिक आता है, विभव बराबर। विभव बराबर जो हमारा होता है वो होता है डब्लू अपान क्यू। विभव को हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं, और वो बराबर क्या होता है, क्यू डब्लू अपान क्यू। तो कोई दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों, मैं आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा। विभव बराबर क्या होता है, डब्लू अपान क्यू। डब्लू आपका क्या है, डब्लू बराबर वर्क है, यानी कि कार्य है। कार्य क्या है, कार्य आपका यहाँ डब्लू है। डब्लू बराबर कार्य, जिसे हम लोग कहते हैं वर्क, ठीक है। और क्यों बराबर आपका क्या है, एक बार मैंने बताया, दो बार और तीसरी बार बता रहा हूँ, आवेश। आवेश को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में, चार्ज, सी एच ए, ठीक है। चार्ज क्या कहते हैं दोस्तों, चार्ज, सी एच ई आर जी ई। और इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज का अर्थ विद्युत आवेश। आगे देखते हैं विभवांतर। विभव विभवांतर मतलब फॉर्मूला एक ही है, लगभग परिभाषा भी एक ही है, मैंने पढ़ा दिया है, जाके देख लीजिए। विभव को हम लोग यानी कि वी से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को हम लोग डेल्टा बी से। डेल्टा बी बराबर होता है डब्लू अपान क्यू। तो यहाँ भी आपका क्या होगा, डब्लू जो होगा वो आपका कार्य होगा, कार होगा, और क्यू बराबर क्या होगा, आवेश होगा। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमारा आता है पांचवा
फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ये तो आप लोग विभव बराबर समझ गए होंगे, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, डब्ल्यू बराबर कार्य, वी बराबर सॉरी क्यू बराबर आवेश। अब हमारा आता है पांचवा फॉर्मूला, प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी प्रतिरोध जो होता है उसे भी मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन प्रतिरोध बराबर क्या होता है, जिसे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नियम कहते हैं, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं, ओम का नियम तथा उनका सत्यापन भी मैंने पढ़ा दिया है, सत्यापन कराया है, क्योंकि वो 7 नंबर में आता है, 6 नंबर में, 7 नंबर में, तो इसलिए मैंने उसका सत्यापन भी करा दिया, जाके देख लीजिए। प्रतिरोध बराबर जिसे हम लोग वी से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, आई आर। आई यहाँ क्या है आपका, धारा है, धारा क्या है इसमें, आई है। और दोस्तों सॉरी ये आपका वी जो है वो क्या है, विभवांतर। और अगर हम जब आर को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। आर बराबर जो आपका होगा दोस्तों, यहाँ आप लोग देख लीजिए, आर बराबर जो आपका होगा वी अपान आई हो जाएगा। यहाँ से आपका जो वी है वो है विभवांतर, वी क्या है, विभवांतर। और R का दोस्तों यहाँ प्रतिरोध है, ठीक है, R का प्रतिरोध। इतना समझिए कि मैं R को इधर रख देता हूँ और V अपान I कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि I का अर्थ होता है धारा, V का अर्थ होता है प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध और धारा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका क्या है, विभवांतर, ठीक है। इसका नियम नहीं जानते हो, सत्यापन नहीं जानते हो, तो मैंने पढ़ा दिया है, जाके देख लीजिए, सॉरी, ठीक है। अब हमारा आता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, आर से, किससे, आर से। तो हमारा रो जो है वो तो एक नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है, नियतांक है, तो उसको हम लोग नो टच करेंगे, एक नियतांक समझेंगे। और यल जो आपका है वो क्या है, यल जो आपका है वो लंबाई है, क्या है यल, क्या है, लेंथ है, लंबाई है, ठीक है, लंबाई। और ये आपका लिखा हुआ, ये आपका एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल। इसे मैंने बहुत ही डीपली समझाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से, उसे जाके वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके 4 नंबर में आते हैं, ठीक है, तो समझना बहुत ही ज़रूरी है टॉपिक्स को, क्योंकि मैंने पढ़ाया तो आप लोग समझो क्यों ना, सभी को समझिए। आगे देखते हैं 7वां फार्मूला दोस्तों, हमारा अगला फार्मूला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर क्या होता है, आई बराबर जो होता है ई अपान आर प्लस आर, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है। आप सभी का मान रख देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान आ जाएगा, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है तो, ठीक है, तो इसे भी मैंने पढ़ा दिया, जाके देख लीजिए। आइए हम आते हैं, यहाँ आपका आई जो है वो बराबर है वैद्युत धारा के, यानी कि धारा के, और ई जो आपका बराबर है ई वो है विद्युत वाहक बल, क्या है दोस्तों, विद्युत वाहक बल। और जो आपका ये कैपिटल आर है, ये समझिएगा, तो इसी स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध को। ये आपका प्रतिरोध है या वैद्युत प्रतिरोध, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और यहाँ जो आपका स्मॉल आर है वो आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। और बस इतना ही, अब इस पे न्यूमेरिकल बहुत हार्ड आते हैं, न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं, ठीक है, तो उसे आप लोग समझ। तो दोस्तों अगला हमारा जो सूत्र है इम्पॉर्टेंट है, 8वां सूत्र। 8वां सूत्र जो आपका है वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग कई सारा न्यूमेरिकल भी देख चुके हैं, और आप लोग न्यूमेरिकल नहीं देखे हो तो न्यूमेरिकल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा जो है श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है, इसका मैंने निगमन करा दिया है, और अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट बन गया है, जाके देख लीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या है, आर जो होता है तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो बराबर होता है R1 + R2 + R3, ये सब एक प्रतिरोध है, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3, जो आपका श्रेणी क्रम में संयुक्त प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। जो ये सब प्रतिरोध हैं, इन तुल्य प्रतिरोध आर जो आगे है वो तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। ये सभी प्रतिरोध देखिए, इनको जब हम जोड़ते हैं तो सभी प्रतिरोध इसके बराबर होता है तुल्य प्रतिरोध के, बस। तो हम आप लोगों को केवल वो बता रहे हैं, ठीक है, क्या सूत्र,
हमारा ये भी फॉर्मूला इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस पर लगभग न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा आते हैं। क्या आते हैं? आंकिक प्रश्न। या आप लोग समझ लीजिए न्यूमेरिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, आंकिक प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो ये इस पर डिपेंड करता है कि इसका जो फार्मूला वो समांतर क्रम संयोजन का है। किसका है? समांतर क्रम। इसका भी मैंने निगमन करा दिया है, जाके देख लीजिए संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन, तो ये आपका जो फार्मूला है 1/r जो होता है वो बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 एंड प्लस 1/r3। ये सब देखिए, ये जो है ये तीनों जो हैं वो योग करेंगे जब हम इन दोनों का, तो ये तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, जब हमारा आंसर आएगा, मान लीजिए कुछ आया, तो हम इसका क्रॉस करा देंगे। जैसे 1/r हमारा यहाँ आ रहा है और बराबर हमारा आ 2, तो 2/1 कर देंगे। और ठीक है, यहाँ मेरा आया 1/2, तो या 2 आया तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आएगा आंसर, 2 आएगा। तो और देखिए आर आया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 के। और मैंने एक लिया था 1/r जो होगा बराबर होगा 2 के, तो 2/1 मान लीजिए, 2r जो होगा वो बराबर होगा 1 के, और r बराबर जो होगा 1/2 के, क्योंकि ये इधर है, गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारे फार्मूला। तो अगर आप लोगों को सारे फार्मूला समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम कि लास्ट तक हम लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।